नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि हर राजनेता आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जैसे ही बिहार आए आरजेडी पर निशाना उन्होंने साध लिया है। दरअसल कन्हैया कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल वो जिग्नेश और हार्दिक पटेल पटना आए हैं और उन तीनों का एग्जाम्पल देकर के, उदाहरण देकर के उन्होंने कहा है कि हम लोगों के पीछे कौन सा परिवार है, और सीधे तौर पर ये निशाना तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पर था। अभी से ही लेकर के आज तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट पर उन्होंने कन्हैया कुमार को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, आइए हम आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, जब से आए हो अक्कड़ बक्कड़ कुछ बोलते जा रहे हो, गैंग वाले थे अब नेता बनने का शौक पाले हो का। याद रखो कि अगर लालू यादव जी ना होते तो शायद तुम भी ना होते। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कन्हैया कुमार को ही टारगेट किया है। हालांकि उन्होंने इसमें नाम तो मेंशन नहीं किया है, उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका टारगेट कन्हैया कुमार ही है, क्योंकि कन्हैया कुमार को टुकड़ों टुकड़ों गैंग वाला बोला जाता था। बीजेपी ने भी कई बार इसके आरोप कन्हैया कुमार पे लगाए थे और उस वक्त कन्हैया कुमार लाल प्रसाद यादव के पैर छू के उन्हें प्रणाम करते थे, और यही तंज तेज प्रताप यादव ने कन्हैया कुमार के लिए कस लिया है। उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें आज इज्जत मिल रही है, लालू प्रसाद यादव की वजह से, और आज वो लालू प्रसाद यादव पर ही निशाना साध रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कन्हैया कुमार के उस भाषण को भी सुनिए जिसमें वो राजद पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम कांग्रेस पार्टी में क्यों आए हैं? हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है, कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले तो और आंदोलन से निकले हुए नेता यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को खड़े लगा, वो सहिष्णुता है। इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। नेता बैठे हुए तो जैसे कि आपने सुना भी कि किस प्रकार से जब कन्हैया कुमार बिहार आए हैं तो वो सीधे तौर पर राजद को ही घेर लिया है। उन्होंने परिवारवाद, जात पात का आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार की राजनीति इसी से चलती है। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जहां तेजस्वी यादव मोर्चा खोले हुए हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इन्हें ही लेकर के आज कन्हैया कुमार ने तंज कस दिया है। बिहार में महागठबंधन में टूट हो चुकी है, एक तरफ जहां राजद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, और राजद की तरफ से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब कन्हैया कुमार के आने के साथ ही प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ें साफ तौर से अब देखी जा रही हैं कि राजद और कांग्रेस में टूट हो चुकी है। इस बात का जिक्र कई बार कांग्रेस के अन्य नेताओं की तरफ से भी किया गया है कि कांग्रेस अब अलग है, बिहार में एक अलग पार्टी बन के उभरी है, और इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में भी वो अलग लड़ेंगी और राजद को इस बार हरा कर दिखाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में राजनीति कौन सा मोड़ लेती है और किसकी पार्टी इन दोनों सीटों पर विजय होती है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।